हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफी बीन्स। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रीन कॉफी होती क्या है, कहाँ पर पैदा होती है और ये कैसे काम करती है। तो उसको मैं आपको एक बार, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, 6 मिनट्स की वीडियो है, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ग्रीन कॉफी बीन्स आपकी बॉडी पर काम करती है। तो आप बेफिक्र होकर यूज़ करिए, क्योंकि ग्रीन कॉफी बीन्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको 100% रिजल्ट मिलता है, आपका वेट लॉस होता है। बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, अपना फिगर मेंटेन करना है, बॉडी मेंटेन करना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। आप अपना बॉडी वेट 7 से 10 kg विद इन 1 मंथ लूज कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको लेमन, जिंजर और हनी के साथ इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले लेमन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेमन के साथ इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको और भी वीडियो और भी वेट लॉस के टिप्स जानने हैं, वेट लॉस कैसे किया जा सकता है, वेट लॉस कैसे करेंगे, ग्रीन कॉफी बीन्स को कैसे यूज़ करना है, या ग्रीन कॉफी के बारे में कोई भी आपका सवाल क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपनी बॉडी का फैट और वेट कम करना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं। तो अब आता हूँ मैं कि आपको ये लेमन के साथ कैसे यूज़ करना है। लेमन के साथ यूज़ करने का इसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको ग्रीन कॉफी बीन्स को बॉइल करना है, ग्रीन कॉफी बीन्स को लेकर ग्राइंड कर लेना है, उसको दानेदार बना लेना है, दलिया जैसा बना के रख लेना है। जब यूज़ करना हो तो 1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में उसको बॉइल करना है लो हीट पर 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपको दूसरे गैस पे अपना उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आपको दूसरे गैस पे लेमन लेने हैं, 2 नींबू लेने हैं। एक टाइम पे 1 गिलास बनाने के लिए आपको 2 नींबू लेने हैं और 1 चम्मच चाय का ग्रीन कॉफ़ी का लेना है। तो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स को आपने ग्राइंड कर लेना है, सॉरी ग्रीन कॉफी बीन्स को आपने बॉइल करने के लिए रख देना है लो हीट पे, 5 से 7 मिनट तक उसको बॉइल करना है। उसी टाइम आपको, सेम टाइम पे आपको अपना नींबू लेना है, उसका रस निकाल लेना है, रस को निकाल के रख लेना है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें कहीं और, उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और को पिला सकते हो पानी बना के, लेकिन उसका आपको खुद पानी नहीं पीना। उसका जो नींबू का जो छिलका बचा होगा, कटे हुए जो पीस बचे होंगे बिना रस के, उनको आपने 1 गिलास पानी में लेकर 5 से 7 मिनट तक 2 नींबू के खाली जो बिना रस के जो नींबू का छिलका बचा होगा उसको बॉइल करना है 7 से 8 मिनट तक। बराबर टाइम पे दोनों को बॉइल करना है और जब वो आधा आधा रह जाए तब उसको मिक्स कर लेना है, छान लेना है, छान के मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसको जैसे नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देना, जैसे नॉर्मल जैसा उसको पी सके कॉफ़ी, चाहे या जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी को उसी टेम्परेचर तक उसको ठंडा होने देना है, उसके बाद उसको पी लेना है। तो ये तो था कि लिम नींबू के साथ इसको कैसे यूज़ करना है। अब आते हैं जिंजर, अदरक, सेम प्रोसेस अदरक के साथ भी यूज़ करने का है। अदरक के लिए आपको क्या करना है कि आपको अदरक लेना है, अदरक आपको कितना लेना है, लगभग जितना ये पीस दिख रहा है, 1 टाइम के लिए 1 कप के लिए आपको इतना अदरक का पीस लेना है। इतना पीस लेके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है या उसको कूट लेना है, पीस लेना है मिक्सी में, ग्राइंडर में, जैसे पीसना है। उसको आपने बॉयल करना है 7 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर 1 गिलास पानी में। जब वो आधा रह जाए तब उसको छान लेना है और उसको ग्रीन कॉफ़ी का जो आपका पानी होगा बना हुआ, ग्रीन कॉफ़ी बनी होगी, उसमें आपको मिक्स कर लेना है। ग्रीन कॉफ़ी को भी आपने अलग से बॉईल करना है 5 से 7 मिनट तक लो हीट पर। बॉईल करने का दोनों चीज़ों को मिलाना है, उसको पी लेना है, ज़्यादा ठंडा नहीं होना देना, ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना कि आपका मुँह जल जाए। और थर्ड इजिएस्ट वे जो कि है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स में, हनी, हनी आप यूज़ कर सकते हैं। शहद, शहद अगर आपको यूज़ करना है तो मार्केट से परचेज किया हुआ शहद ना लें, अगर लेना है तो पतंजलि का लें, या फिर आप कहीं से लोकल अगर आपको मिलता हो गांव वगैरह में जैसे मिलता है तो आप लोकल शहद लें। तो शहद के लिए आपको करना है कि आपको ग्रीन कॉफी बीन्स को बॉईल कर लेना है 5 से 7 मिनट तक हल्की आँच पे, अच्छे से उबलने के बाद उसमें हमने 1 चम्मच ग्रीन कॉफी बीन्स का डालना है, उसको मिला लेना है और उसको पी लेना है। तो ये थी ग्रीन कॉफी बीन्स के साथ जो एडिक्टिव बेनिफिट आपको मिल सकते थे, इस तरह से आपको यूज़ करना है और आपको 100% श्योर है कि आपका वेट, आपका बेनिफिट, ग्रीन कॉफी का बेनिफिट आपको 100% होगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वेट लॉस टिप्स लाते रहें। और अगर आपको ग्रीन कॉफी बीन्स ऑर्डर करना है तो ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफी बीन्स ऑर्डर करिएगा, वेबसाइट लिंक में डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक मैं दे दूंगा और ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा है ilovegreencoffee.in के नाम से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर परचेज करने के लिए विजिट करें ilovegreencoffee.in। थैंक यू गाइज़।